अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। दोस्तों, जिन लोगों का स्वभाव यानी टेम्परमेंट एक जैसी नहीं होती, उन लोगों पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कभी तो किसी से बहुत अच्छी तरह मिलते हैं और कभी उसी को इग्नोर कर देते हैं, कभी किसी को भरपूर इज्जत देते हैं तो कभी उसी को बेइज्जत कर देते हैं। ऐसे लोगों से बहुत डर लगता है जो कभी तोला या कभी माशा होते हैं। लेकिन आज जिस खूबसूरत हीरोइन की मैं बात कर रही हूँ, वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। वो बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, हमेशा सबसे अच्छी तरह मिलती हैं और भरपूर इज्जत देती हैं, और वो हैं रति, रति अग्निहोत्री। दिसंबर 1960 में पैदा हुई थी रति अग्निहोत्री बरेली में, एक पंजाबी हिंदू परिवार में। लेकिन उनका बचपन गुजरा मद्रास में, इसीलिए अपनी एजुकेशन भी उन्होंने वहीं कंप्लीट की। रति अग्निहोत्री की बड़ी बहन का नाम है अनीता और वो बहुत मशहूर मॉडल थी, और उन्हीं की देखा दाखी रति ने भी सिर्फ 10 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू कर दी थी और काफ़ी अरसे तक वो मॉडलिंग करती रही। उसी दौरान साउथ के एक बड़े मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे और उनका नाम था भारती राजा। उन्होंने रति को देखा और फौरन अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया, एक तमिल फिल्म के लिए साइन कर लिया। वो फिल्म भी हिट हो गई और उसके साथ साथ रति भी हिट हो गई। अब तो भी गंगा से के समुद्र तिर पे इनका पावन छत्र का मटर ये मुझको आवमन मंदिर कर दे। सब ने रति की बहुत ज़्यादा तारीफ की और कहा, भाई कमाल है, ये लड़की तो पंजाबी है, पंजाबी मातृभाषा है, लेकिन कितनी अच्छी तमिल बोली है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि रति ने सिर्फ तमिल फिल्मों में काम नहीं किया, कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया, और वो भी साउथ के बड़े बड़े मशहूर हीरोज के साथ। दोस्तों, ये बताना तो बहुत ज़रूरी है कि हिंदी फिल्मों में सबसे पहले ब्रेक दिया था रति अग्निहोत्री को साउथ के मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर एल वी प्रसाद ने 1981 में, और उस फिल्म का नाम था एक दूजे के लिए, और रति के साथ हीरो थे कमल हसन। एक दूजे के लिए हिट हो गई और उसके साथ ही साथ रति अग्निहोत्री भी सुपरस्टार बन गई और कई बड़ी बड़ी फिल्में साइन कर ली। उनमें से एक फिल्म का नाम था तवायफ। उस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे बी आर चोपड़ा। रति ने उस फिल्म में टाइटल रोल किया था और उनके हीरो थे ऋषि कपूर। मसीहा मेरे तूने बीमार दवा लाते लाते बहुत देर कर दी, दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। रति अग्निहोत्री के माँ बाप नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी हीरोइन बने, फिल्मों में काम करे, लेकिन रति चाहती थी, इसलिए अपनी बड़ी बहन की मदद के साथ साथ उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी हीरोइन बनने की, यहाँ तक के हर तरह के डांस सीख लिए थे। मिला सहारा दिल तेरे
रति कहती हैं कि मैं अमिताभ बच्चन की ज़बरदस्त फैन थी और एक दफ़े मैं उनका ऑटोग्राफ लेने गई थी। वो ऑटोग्राफ दे रहे थे, मैं उनको देख रही थी और उस वक्त मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन मैं अमिताभ बच्चन की हीरोइन बन जाऊंगी। और उस फिल्म का नाम था कुली। रति अग्निहोत्री कहती हैं कि मैंने लगभग 70-80 हिंदी फिल्मों में काम किया और वो भी बड़े बड़े टॉप मोस्ट हीरोज़ के साथ, लेकिन अपनी उन फिल्मों में मुझे सबसे अच्छी फिल्म लगती है शौकीन। और इसकी वजह ये है कि उस फिल्म में मुझे दादा मुनि यानी अशोक कुमार जी के साथ काम करने का मौका मिला। लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ मुझे, वो ये कि अशोक कुमार मुझे फादर फिगर लगते थे, लेकिन वो मुझे बड़ी रोमांटिक नज़रों से देखते थे। लेकिन उनका भी कोई कसूर नहीं था क्योंकि उनके रोल की डिमांड यही थी। जो हो रहा है दिल में क्या बताएं, खुशी ये आज की कहां छुपाएं। ख्याल को चलो जरा सजाएं, नशे में क्यों ना झूम झूम जाए। 1985 में रति का करियर बिल्कुल पीक पे था और उसी साल उन्होंने शादी कर ली, लव मैरिज। उनके पति का नाम है अनिल वीरवानी और वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनका एक ही बेटा है, उसका नाम है तनुज और वो हीरो है। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि जवानी बड़ी बेवफा होती है, हमेशा नहीं रहती। और यही हुआ, उम्र बढ़ने के साथ साथ रति ने करेक्टर रोल्स करना शुरू कर दिए, भाभी के और माँ के किरदार निभाए और वो भी लोगों को बहुत पसंद आए। मैंने उसे तरीका बताया है हस्बैंड को कंट्रोल में रखने का। अरे ये तरीका मुझ पर कब अपना रही हो? ओहो मिस्टर खुराना, आप तो हमेशा मेरे कंट्रोल में हो। इसलिए कि हमारा 7 जन्मों का साथ है। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब।